गाइस हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश होलोंगी, जहां में एयरपोर्ट बन रही है। देखिए गाइस, तो हम अभी ईटानगर के लिए निकल पड़े हैं। वहां में आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, तो वहां जाके हम आपसे मिलेंगे। तो वहां और एक साल के अंदर में एयरपोर्ट का काम ख़त्म हो जाएगा। तो आप एक दो साल के बाद में आप लोग दिल्ली से आप लोग ईटानगर डायरेक्ट हवाई जहाज से आप लोग आ पाएंगे। पूछने वाला ही है, बहुत ही शानदार रोड है अरुणाचल। ये देखिए गाइस, कितना शानदार रोड है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर का। गाइस देखिए, कितना अगला बात आपको होलोंगी गेट पहुँचेगा। गाइस देखिए, बहुत ही सुंदर रोड है ईटानगर का रोड। गाइस देखिए कितना सुंदर है, शानदार है। इनके बाद ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ये असम और अरुणाचल का बॉर्डर है। ये असम और अरुणाचल का बॉर्डर है। यहाँ से 25 किलोमीटर है ईटानगर। हम लोग थोड़ी देर बाद में ईटानगर पहुँचेंगे। गाइस तो हम लोग ईटानगर पहुँचने वाला है। यहाँ से 21 किलोमीटर बाकी है। ये असम और अरुणाचल का बॉर्डर हम लोग पहुँच चुका है फिलहाल। देखिए गाइस, कितना सुंदर नजारा है ईटानगर एयरपोर्ट का। रोड ये बन रहा है, अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर रोड बना रहा है। अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाला है, यहाँ में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर रोड है। ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, हम लोग साथ में, हम लोग का दोस्त है। ये देखिए हम लोग का दोस्त लोग, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में पहुँच जाएंगे। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं ईटानगर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन के पास, जहां में एयरपोर्ट बन रही है। देखिए जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है, यहां में एयरपोर्ट बन रहा है। अभी फिलहाल हुआ नहीं, आपका 6 महीना या 1 साल का अंदर में आपका एयरपोर्ट बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट दिल्ली से आप कहीं से भी आप यहाँ में ईटानगर एयरपोर्ट आ सकते हो। लेकिन मैं आपको अंदर का व्यूज़ दिखाना चाहता था, लेकिन यहाँ में सिक्योरिटी जो है आपको ये अंदर में अलाउ नहीं है। तो मैं अंदर घुस नहीं पाया हूँ, नहीं तो आपको अंदर का व्यूज़ भी दिखा देना था। तो गाइस, आप अगर ट्रेन में आने चाहते हो तो ट्रेन में भी आप आ सकते हो। ये ट्रेन में आप आ सकते हो, ये दिल्ली से डायरेक्ट गुवाहाटी, ये आपका ट्रेन आता है। दिल्ली से आपको डायरेक्ट अरुणाचल ईटानगर ट्रेन आता है आपका। आप डायरेक्ट ईटानगर आ सकते हो। अगर ईटानगर आने के लिए गाइस आपको अरुणाचल में ILP ज़रूरत होता है, इनर लाइन परमिट, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप ऑनलाइन भी इनर लाइन परमिट आप बनवा सकते हो। तो गाइस देखिए, अभी और आप लोग को ज़्यादा तकलीफ करने का ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी दिन बाद में आपका एयरपोर्ट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट एयरपोर्ट फ्लाइट से आप लोग आ सकते हो। तो गाइस, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज आपको अंदर का व्यूज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि ये अंदर में सिक्योरिटी जो है, तो सिक्योरिटी बोझ लगा के रखा हुआ है अंदर में। आपको ये वीडियो, आपको मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।